अरे वर्मा जी, मैं आपके घर नहीं आ सकता। अरे मेरा इंटरमिटेंट डाइट चल रहा है, मैं खाना सिर्फ हर 16 घंटे के बाद ही खा सकता हूँ। चलिए आप एक काम करिए, आप कल सुबह अपनी बेटी को मेरे ऑफिस भेज दीजिए, मैं उसका ऑडिशन भी ले लूंगा और खा भी लूंगा। जी वर्मा जी, मिलते हैं। जी हेलो। तू उतना चूतिया दिखता नहीं जितना उसे तुझे बनाया। कौन बोल रहा है, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी असलियत जानने से पहले अपने दोस्त मलिक की असलियत जान ले। तेरे पे जो अटैक हुआ था वो मलिक ने करवाया था। यकीन नहीं होता? एड्रेस भेजता हूँ, आ जा, सबूत के साथ गवाह से मिलवाता हूँ। इस आदमी से उसने तेरे पर शूटिंग कराई, वो अपना ही पंटर है। सर आपका किटो लंच रेडी है, आपके लिए केला काट दूं क्या? तुझे केले काटने की पड़ी है या क्या क्या खट गया तेरे को पता नहीं? भाग यहां से। मलिक, I really need your help. तरुण की मौत के बाद डालमिया ने फूटी कौड़ी तक देने से मना कर दिया है। मुझे उस घर में घुटन सी होने लगी है यार। सुनो, वो तुम्हें बहुत मानता है, प्लीज तुम कुछ कहो ना, वो जरूर मान जाएगा। प्लीज अगर लड़कियों का टच गर्म दवा है ना, तो लड़कों का ईगो मक्खन, लेकिन अब मैं सख्त लौंडा हो गया हूँ। इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं था। अरे आना, धन्या साहब के बहुत एहसान है मुझ पर, मेरी वफादारी उनके साथ है। उमते हो ना तुम उनके, जब वो कहेगा भौंकोगे, जब वो कहेगा किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दोगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम कौन सी दूध की धुली हो, कभी सौतन कभी सहेली सुना था, कभी पति कभी ससुर पहली बार सुन रहे हो? हाउ डेयर यू। ओह अच्छा, गर्म कॉफी ऑर्डर नहीं किया था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी तो दोस्तों ने ले ली, वहां जा दिल कम था। कपूर साहब, ये सब क्या है? तूने वो कहावत तो सुनी होगी कि शाना कौवा ही कौ खाता है। कपूर साहब, पर आप तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे ना? मलिक हरामजादे, मुझे सब पता चल गया कि तेरे ही लोगों ने मुझ पे गोलियां चलाई थी। तू 9 महीने से मुझे चूतिया बना रहा है, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कपूर साहब, ऐसी घिसी पिटी डायलॉग्स की वजह से आपकी फिल्में नहीं चलती। अगर छेद करना होता ना थाली में नहीं करता, आपकी सांसें और पादे कहीं और से निकल रही होती। ऐसे किसने कान भरे आपके? मैंने। तूने मेरे धंधे की वाट लगा दी, अब से तेरा ये फिक्सिंग का कार्यक्रम बंद और मेरे नुकसान की भरपाई का कार्यक्रम शुरू। अगर अपनी जान बचाना चाहता है ना, तो आगुंतक के फिक्स में जो 5 करोड़ मिले हैं ना, वो ले आ, वरना। कपूर साहब, ये क्या है? कपूर साहब, आपकी प्रीक्वल सीक्वल नहीं चली तो प्रोड्यूसर से ब्लैकमेलर बन गए? या आपकी बड़ी पर्सनालिटी पर ये सब सूट नहीं करता? 48 घंटे दे रहा हूं तुझे, 5 करोड़, वरना सड़क पर कुत्ते की तरह दौड़ा के गोलियां मारूंगा। नॉर्मल लोगों में और फिक्सर में ये तो फर्क होता है, नॉर्मल लोगों को अपनी जान प्यारी होती है और मुझे सिर्फ पैसे। मैं अपनी मेहनत की कमाई हुए पैसे अपने बाप को ना दूं तो ये माजिद कौन सी चीज है? चलो अब इसकी भी गलत फहमी दूर करते हैं। ये मलिक,
इसकी बातें गाड़ में नहीं गू और हगने चले जू। ये मलिक का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अड़तालीस घंटे घंटा पर क्या गारंटी है कि वो लोग तुम पर दोबारा गोली नहीं चलाएंगे? दानिया साहब, आजकल गारंटी सिर्फ टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन्स में मिलती है, जिंदगी पे नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए जब जिंदगी में दुश्मन बड़े हों तो दोस्ती भी बड़े लेवल की करनी पड़ती है। लोमड़ी का शिकार करने निकलोगे तो गिद्ध से तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना। शेरावत, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता है। साला वो मेरी मदद क्यों करेगा? मेरी जान पहचान है जेल में, चल के मिलते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। बाकी फिक्सर तो तुम हो ही, और कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट कर ही लोगे। नलने साहब, एक बात करनी थी आपसे। वो आना बुरी लड़की नहीं है, तरुण ने वादा किया था उसे, उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर एक नई शुरुआत करने का मौका दीजिए। मलिक 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 मलिक, एक बात बताओ, ये लड़कियों में और साबुन में सिमिलैरिटी होती है, दोनों शरीर को लगते हैं ना तो झाग ही निकलता है सिर्फ। लेकिन तुम साबुन के लिए 200 करोड़ तो नहीं देते। फैमिली मैटर है, इसको फैमिली मैटर रहने दो। आई डोंट थिंक आई रियली नीड यू फिक्स ऑन दिस। एंजॉय योर ड्रिंक। नॉर्मली तुम फिक्स करते हो लोगों को, आज मैंने तुम दोनों को फिक्स किया। वक्त बदलता है शरावत साहब। याद है आप ही ने एक कहानी सुनाई थी, वो चूहे और गिद्ध की। अब आप बताएं, कौन चूहा कौन गिद्ध? क्या है ना कि कुछ दिनों की बात है, बस मैं निकलूंगा, फिर उसके बाद। एक मिनट, गुस्सा दोनों का जायज है यहाँ पे, दोनों का जायज है गुस्सा, लेकिन खेल कोई और कर गया, ये समझने वाली बात है। कौन कर गया है? सेना। करीम का इनकाउंटर प्लान हुआ था, तुमसे गलती हुई, तुम फंसे, तुमने अपना बदला निकाला, तुमने इनको बलि का बकरा बना दिया ये अंदर। पर पूरे के पूरे खेल में फायदा किसका हुआ? सिन्हा का। ये मलिक सरदर्द से कैंसर बन गया है भाई जी, पिछले दिनों मेरे सारे ठेके बंद करवा दिए उसने। सिन्हा जी, अच्छा खासा जमीन हड़पने का कारोबार बंद कर दिया साले ने। भाई जी, इस मलिक का कुछ करिए, वरना ऐसे ही चलता रहा तो इस इलेक्शन में हम सब आपके पार्टी फंड में पैसा नहीं दे पाएंगे। शेरावत। जैन सर, इंटेलिजेंस से हमें खबर आई है, करीम मिर्जा यहाँ दिल्ली में तारिक के आतंकवादी को लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ और उसमें ऐसे कुत्ते भर्ती करो जो भौके कम और काटें ज्यादा। करीम मिर्जा, और हाँ, इनका हेड बनाओ जयवीर मलिक को। 10 करोड़ ले चुका हूँ मैं। करीम का सफाया यानी दिल्ली की गंदगी का सफाया। ठीक है सर, डन सर। जैन सर, मतलब करीम का एनकाउंटर हुआ, ये सस्पेंड, मैं इधर अंदर, मतलब सारा सब। तो अगर सिन्हा को नीचे गिराना है
तुम दोनों को साथ आना पड़ेगा। डालमिया साहब, बिना मतलब के आप अपने बाप के साथ खड़े नहीं होते, सिन्हा साहब के पीछे के पड़े हो। बाड़गंज की सीट कुंडी मार के बैठा हुआ उसके ऊपर, हक तो हमारा भी बनता है। मतलब हम दोनों आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करना हम दोनों को है? फायदा हो तो करने में, परेशानी क्या है फिर? भाई लोग जज मत करो, मेरा काम लोगों को यह पहुंचाने का है। मामा ठुल्ला पुलिस बड़े नाम है हमारे, पर वो सब पार्ट टाइम है, फुल टाइम तो मैं एक फिक्सर हूं। वो कहावत तो सुनी होगी कि जरूरत पड़ने पर लोग गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं, और जरूरत पूरी होने के बाद उसी गधे को घोड़ी बनाकर उसी की ले लेते हैं। ये हरामी सेना ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया। बड़ी गेम खेली गई थी, जिन लोगों पे भरोसा करके मैं दिल्ली में छाती चौड़ा करके घूमता था ना, असल में वही हरामी मेरी छाती में तांबा दागने वाले फड़वे निकले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फड़वे निकले सब मेरे यार, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, मलिक के पीठ पे गोली चलाई। भगवान ने आपकी सुन ली है, मलिक इज आउट ऑफ डेंजर। अगले 48 घंटे उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। एक्सक्यूज मी, मलिक को कहाँ लेकर गए? वो वहां पर। थैंक यू सर, वेलकम। वे 40 घंटे हो गए हैं, लेकिन किसी साले के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आखिर मलिक को गोली मारी किसने? करीम मिर्जा को हॉस्पिटल में मारा किसने? उसको जेल से कौन ले गया? आप ना एक काम कीजिए,
इन सारे लोगों को ना पूरा पता कीजिए कि कौन कहाँ किधर क्या कर रहा है, यानी इन सब की कुंडली अपने हाथ में आ गई ना तो अपने को पूरा पता चल जाएगा सब कुछ। थोड़ा पीछे जा। ये मेरा काम नहीं तेरा काम है, जल्दी से सबकी इंफॉर्मेशन निकाल और डेस्क पे रख, चल जा। करीम मिर्जा, शायद केसर और भगवान के जुगलबंदी ने एक्चुअली मेरी जान बचा ली थी, पर फिल्मों की तरह रियल लाइफ में भी अगर क्लाइमैक्स में हीरो नहीं है तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब हैप्पी एंडिंग के लिए मुझे सबसे बड़ा फिक्स करना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत हुआ सत्कार, अब सबकी ऐसी की तैसी। हेलो, अरे यार तेरे को बोला ना पैसे दे दूंगा, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है ना यार। हाँ क्या किया तुमने? एक मिनट देखिए क्या कह रहे। हेलो जैन जी सावड़ेकर बोलते, बोला केसर हमारे पास है, 4 घंटे में 5 करोड़ या मेन कोर्स में केसर, फोन रखते ही एड्रेस भेजता हूँ। ये और कुछ चाहिएगा तेरे को डेजर्ट में? रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन है। गुड जॉब जयंती, 4 आवर्स टू गो। You take some rest now. I'll see you tomorrow. क्या जयंती मुंह क्यों लटकाई है? उठ गया है मैं अभी, चलते ना पार्टी करने, ठीक है? ये केसर का है, मेरे लिए पूजा करिए क्या? अर्जुन बुलाओ उसे, बोल मैं बुला रहा हूँ। बुरी खबर है सर, केसर मैडम का किडनैप हो गया। टेंशन मत लो, नक्खा फोर्स लगाएगी। पर भाभी को किडनैप कर कौन सकता है? शेरावत, भाव रुपया।